अभिभावक विद्यार्थी अध्यापक वर्ग उनको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस मिट्टी में जन्मे तिलक आगरकर के विचार, जिस मिट्टी में जन्मे तिलक आगरकर के विचार, जिस मिट्टी में फैले सावरकर के शब्द, जो मिट्टी बने भगत सिंह के खून से लखपत, उस मिट्टी को, उस मातृभूमि को, उस जन्म भूमि को, उस कर्म भूमि को, उस माता को, उस ममता को कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, नमस्कार। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर प्रमुख अतिथि, सभी अध्यापक वर्ग, अभिभावक और मेरे सामने बैठे हुए कल के भविष्य, कल के नागरिक, भारत के विकसनशील देश की, विकसनशील देश को विकसित देश की तरफ लेकर जाने वाले, एपीजे अब्दुल कलाम का ख्वाब पूरा करने वाले, भारत को महासत्ता प्रदान करने वाले ये मेरे प्रिय विद्यार्थी, सन 1818 पेशवा का अंत हुआ और सन 1849 में ये मुट्ठीभर अंग्रेज हमारे देश में आकर हमारे भारतीयों को उन्होंने गुलाम बना दिया। क्या कहूं मैं दोस्तों आपसे, ये उन्होंने इतना अत्याचार किया, इतने जुलूम उन्होंने ढाए हैं और इसकी चिंगारी एक महायज्ञ में बदल गई। 10 मई 1857 का एक महान यज्ञ तैयार हुआ और उसी यज्ञ में न जाने कितने आहुतियों ने कितने ही बलिदान वहां पर दिए गए। क्या बताऊं मैं दोस्तों आपको, सिर्फ 15 साल की उम्र में जिन्होंने अपने शरीर पर अंतर खाए थे, वे रहे अशोक चंद्रशेखर आजाद और झांसी की रानी और फिर उसके बाद रहे ये हमारे सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहने वाले पूर्व से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक कहने वाले ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा लगाया था। और फिर उसके बाद आ गया 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों क्या बताऊं मैं आपसे कि वहां पर कितने निरपराध लोगों की जाने चली गई, कितने लोग वहां पर बेघर हो गए, कितने लोग शहीद हुए। और फिर हम जिस दिन की याद कर रहे थे, जिस दिन हमें चाहिए था, वह दिन आ गया, 15 अगस्त 1947 का दिन। और उसी समय हमारा ये दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, दिल्ली में लाल किले पर ये अंग्रेजों का यूनियन जैक नीचे उतारा गया और हमारा राष्ट्रध्वज, ये तिरंगा वहां पर फहराया गया। ये तिरंगा हमारे शान का प्रतीक है, हमारी इज्जत का प्रतीक है, हमारे आदर का प्रतीक है और ये हमारे रिस्पेक्ट का प्रतीक है। जब तक ये सांसें चलेगी देश के लिए, जब तक ये सांसें चलेगी देश के लिए, हम जिंदा रहेंगे देश के लिए। अगर हम मर भी जाए तो वो मरेंगे देश के लिए। ऐसी मातृभूमि हमारी परलोक से प्यारी, जिसके कमलों पर मेरा तन मन धन बलिहारी। अरे क्या बताऊं दोस्तों मैं आपसे कि जिस समय जश्न दिल्ली में लोग, हमारे नेता लोग जश्न मना रहे थे, रोज मजाक कर रहे थे, तब उसी समय सत्य, अहिंसा और प्रेम के पुजारी कहने वाले हमारे बापूजी, हमारे गांधी जी पश्चिम बंगाल में दलितों की सेवा कर रहे थे, दलितों की सेवा कर रहे थे, गोर गरीबों की सेवा कर रहे थे। तब उसी समय उन्होंने कहा था कि मेरे सपनों का भारत ऐसा नहीं है, मेरे सपनों का भारत ऐसा चाहिए कि जिसमें कोई धनवान नहीं होगा, न कोई निम्न वर्ग का होगा, न कोई गरीब होगा, उसमें से सारे लोग समान रूप से चाहिए, उन्हें समान रूप का अवसर चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था जन्मभूमि की रक्षा करनी चाहिए, जन्मभूमि का ऋण चुकता करना चाहिए, जन्मभूमि का ऋण चुकता है त्याग और बलिदान से, जन्मभूमि का ऋण चुकता है त्याग और बलिदान से, सत्कर्मों की फसल लहराती है शान से, ऐसी किरण बने हम जिससे हार मान ले अंधियारा, आएगा जो देश के काम वही बनेगा ध्रुव धारा। जिसके मन में मातृभूमि के प्रति ममता है, जिसके मन में मातृभूमि के प्रति ममता है, धरती चाहेगा वैसा ही पुत्र जन्म ले दोबारा, आएगा जो देश के काम वही बनेगा ध्रुव तारा। बस मैं आपसे एक विनती करने वाला हूँ
कि यहाँ पर आज इस 21वीं सदी में न जाने विद्यार्थियों को नीति शिक्षा व्यवहार ज्ञान देने की जरूरत है। बस मैं सभी अभिभावकों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं अभिभावकों को भरोसा दिलाता हूँ, मैं अभिभावकों को यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी शिक्षा सिर्फ यहाँ पर ही मिलती है, इस आइडियल किड्स में मिलती है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि न जाने ये हमारे आइडियल के विद्यार्थी, आइडियल के तारे, कल के ये वैज्ञानिक है, कल के ये पायलट है, कल के इसमें से कोई प्रधानमंत्री होगा, इसमें से कोई मुख्यमंत्री होगा और इसमें से कोई एक ऐसा खिलाड़ी बनेगा जो देश की सेवा करेगा। और बस इसके लिए हमें मेहनत की जरूरत है। आओ आओ मिलके, आओ मेहनत से अपना ईमान बनाए, आओ मेहनत से अपना ईमान बनाए, अपने हाथों से अपना भगवान बनाए, आओ मेहनत से अपना ईमान बनाए, अपने हाथों से अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती पर, राम की इस धरती पर, गौतम की इस भूमि में सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। बस दोस्तों, अंत में एक बात मैं आपसे कहता हूँ, हम भूल नहीं पाएंगे ऐसे शहीदों को, हम भूल नहीं पाएंगे ऐसे शहीदों को जो जान फिरा करते हैं हंसते हंसते, हमारे भारतवासी उन्हीं को करते हैं सलामी नमस्ते, सलामी नमस्ते, सलामी नमस्ते, सलामी नमस्ते।